हे एवरी वन आई होप यूर आर डूइंग गुड और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद किया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ नेमोनिक्स तो यहाँ पे मैंने जो टोटल ट्वेंटी टू पार्ट्स होते हैं उनको फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड नाउ वी विल स्टार्ट विथ पार्ट वन अप टिल पार्ट सेवन तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसके लिए नेमोनिक क्या है तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो नेमोनिक है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट फॉर डीप फाउंडेशन अपॉन सब्जेक्ट्स तो अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को फॉर डीप फाउंडेशन अपॉन सब्जेक्ट्स नाउ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो पार्ट वन में है उसके बाद हम देखते हैं कंसेप्ट तो कंसेप्ट से यहाँ पे सिटीजनशिप और ये पार्ट टू ऑफ द कंस्टिट्यूशन में आता है इसके बाद है फॉर फॉर से यहाँ पर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स एंड ये पार्ट थ्री में है फॉर वॉट नाउ फॉर डीप फाउंडेशन तो डीप से यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट फोर में है देन फाउंडेशन फाउंडेशन से यहाँ पे हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पार्ट फोर ए में है ना कि पार्ट फाइव में देन इसके बाद है अपॉन अपॉन से यहाँ पे यूनियन जो कि पार्ट फाइव में आएगा एंड लास्टली सब्जेक्ट्स तो सब्जेक्ट्स से यहाँ पे हो जाएगा स्टेट जो कि पार्ट सिक्स में है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्ट सेवन जो है वो डिलीट कर दिया गया है नाउ इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है पार्ट एट से लेके पार्ट इलेवन तक तो पार्ट एट से लेके पार्ट इलेवन तक को याद करने के लिए जो नेमोनिक है वो है अंडरस्टैंडिंग प्रिलिम्स मेन सिलेबस क्लियरली बहुत ही सिंपल सा एक सेंटेंस है तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा यूनियन टेरिटरी जो कि पार्ट एट में है इसके बाद है प्रिलिम्स प्रिलिम्स से यहाँ पे पंचायत हो जाएगा जो कि पार्ट नाइन में है देन इसके बाद है मेन्स तो मेन से यहाँ पे हो जाएगा म्यूनसिपैल्टीज जो कि पार्ट नाइन ए में है सिलेबस से यहाँ पे हो जाएगा शेड्यूल ट्राइब जो कि पार्ट टेन में है एंड लास्टली क्लियरली से हो जाएगा यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस जो कि पार्ट एलेवन में है ओबियसली क्लियरली समझ नहीं आएगा सिलेबस तो बफरिंग होगी एंड सफरिंग होगी सो ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट था अंडरस्टैंडिंग प्रिलिम्स मेन सिलेबस क्लियरली अब हम देखेंगे पार्ट ट्व से लेके पार्ट सेवेंटीन के लिए तो इसके लिए जो नेमोनिक है फिनिश द सिलेबस टू एक्सेल सब्जेक्ट्स ओवरऑल तो यहाँ पे फिनिश से हो जाएगा फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स जो कि आते हैं पार्ट ट्वेल्व में दस से हो जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि पार्ट थर्टीन में है सिलेबस से हो जाएगा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स जो कि पार्ट फोर्टीन में है देन टू से हो जाएगा ट्राइब्यूनल्स जो कि पार्ट फोटीन ए में है एंड इसके बाद है एक्सेल तो एक्सेल से यहाँ पर एलेक्शंस जो कि पार्ट फिफ्टीन में है देन सब्जेक्ट्स टू सब्जेक्ट्स से यहाँ पर हो जाएगा स्पेशल प्रोविजन्स जो कि पार्ट सिक्सटीन में है एंड लास्टली ओवरऑल तो ओवरऑल से ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि पार्ट सेवनटीन में है तो अगेन इट इज़ अ वेरी सिम्पल स्टेटमेंट दैट फिनिश द सिलेबस टू एक्सेल सब्जेक्ट्स ओवरऑल अब हम इसके बाद जो लास्ट पार्ट्स बचे हैं वो देखेंगे तो जो लास्ट पार्ट है पार्ट एटीन से ले कर पार्ट ट्वेंटी टू तो इसके लिए जो नेमोनिक है वो ये है कि एवरी मंथ अ टेस्ट सीरीज़ तो ऑब्वियसली सिलेबस की बात हो गई कंसेप्ट की बात हो गई प्रिलिम्स मेन्स की बात हो गई तो यहाँ पर अब टेस्ट सीरीज़ की भी बात कर लेते हैं तो ये नेमोनिक भी इंटर रिलेटेड है पिछले तीन नेमोनिक से तो आइए देखते हैं एवरी से हो जाएगा एमरजेंसी प्रोविजंस जो कि पार्ट 18 में है देन मंथ से यहाँ पे हो जाएगा मिसलिनस जो कि पार्ट 19 में है ए से हो जाएगा अमेंडमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट ट्वेंटी में है टेस्ट से हो जाएगा टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन जो कि पार्ट ट्वेंटी वन में है एंड सीरीज से हो जाएगा शॉर्ट टाइटल जो कि पार्ट ट्वेंटी टू में है तो इस तरीके से आप हर एक जो चार नमोनिक्स मैंने बताए हैं आप उनको याद करके सभी पार्ट्स को याद कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑल्सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चारों नेमोनिक्स मैंने बनाए हैं तो वो भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं तो एज अ स्टोरी आप उनको देख सकते हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग कन्सेप्ट फॉर डीप फाउंडेशन अपॉन सब्जेक्ट्स तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है फाउंडेशन बनाने के लिए देन इसके बाद है कि प्रिलिम्स मेंस की सिलेबस को आपको समझना है तो ऑबियसली अंडरस्टैंडिंग प्रिलिम्स मेंस सिलेबस क्लियरली एंड ये सेकेंड पार्ट हो गया देन इसके बाद जो आता है फिनिश द सिलेबस टू एक्सेल सब्जेक्ट्स ओवरऑल तो यहाँ पे पहले फाउंडेशन की बात कर ली हमने देन प्रीलिम्स मीन्स के सिलेबस की बात कर ली देन सिलेबस के बाद हम देखते हैं कि सिलेबस फिनिश करने की ज़रूरत है ताकि सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर पाएँ एंड लास्टली जो नेमोनिक है एवरी मंथ है टेस्ट सीरीज तो ऑब्वियसली कोई भी सिलेबस ख़त्म करने के बाद हम टेस्ट देते हैं तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ की मैंने बात की है तो एवरी मंथ अ टेस्ट सीरीज़ तो ये चारों नेमोनिक्स जो है वो इंटरकनिक्ट तो आप इनको एज अ स्टोरी याद करके आप याद कर सकते हैं सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट टू वीडियो आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी एंड हेल्पफुल होगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग